नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम एकदम सीधी बात में। और आज मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में मौजूद हैं केशव देव मौर्य साहब, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महान दल के। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। धन्यवाद काजोल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महान दल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही मजबूत है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि तमाम जो दल हैं उनकी सीटों का फेरबदल कर सकता है। काजल जी, ये सच है कि उत्तर प्रदेश में शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज जिसका प्रतिनिधित्व महान दल करता है, उसका वोट एक बड़ा वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ 50,000, 40,000, 80,000 तक वोट है। कम से कम भी वोट इसका 15,000-10,000 के आसपास किसी विधानसभा में है। और पूरी 403 विधानसभा में शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज की आबादी लगभग 14% के आसपास, उनकी एक बड़ी संख्या है। तो ये जब इतना बड़ा वोट बैंक है और इस वोट बैंक का महान दल को अपना वोट पार्टी मानता है और महान दल को हर तरह से मदद करता है, तन से, धन से, मन से, और उत्तर प्रदेश के 3/4 इलाकों में महान दल की अपनी तैयारी हो चुकी है और पहले रैलियां भी कर चुके हैं। महान दल 2012 में जब पहली बार अकेले दम पे महान दल लड़, 71 सीट लड़कर महान दल को 7 लाख के आसपास वोट मिला, 6,96,000। और महान दल के प्रत्याशी को, जो कि बहुत मजबूत नहीं थे, पहली चुनाव था और महान दल को कोई सीरियसली नहीं ले रहा था, ऐसे समय में कमजोर प्रत्याशी आए, फिर भी मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा सीट पर 2012 में महान दल 48,000 वोट पाकर महान दल सेकंड नंबर पर पहुंचा, जबकि बसपा और सपा ने डमी कैंडिडेट दे दिया जिससे महान दल न जीत पाए। और भारतीय जनता पार्टी ने महान दल को कमजोर करने के लिए राष्ट्रीय महान दल बनवा दिया। 2008 में केशवदेव मौर्य साहब ने महान दल को बनाया, तब से लेकर अब तक संघर्ष किया। 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, अब बसपा के साथ आने की बात लगातार महान दल कर रहा है, तो विचारधारा कैसे अलग हो गई है? देखिए, महान दल 2008 में बना और जिस विचारधारा के साथ बना कि शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज एक बड़ी संख्या है। उन्होंने हमें 2012 में, जैसे हम अपनी बात कंप्लीट कर ले, कि 48,000 से लेकर 32,000-35,000 तक हमें 2 दर्जन सीटों पर मिला और बसपा और भाजपा की गणित खराब हो गई। ये वोट पहले 2012 के पहले बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट की तरह वोट देता था, बसपा का कोर वोट माना जाता था, क्योंकि इसकी विचारधारा, समाज की विचारधारा बुद्धिस्ट विचारधारा है। जो शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज है, अधिकतर लोग बुद्धिस्ट हैं और बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के फॉलोअर हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले को धर्म अंधविश्वास से बाहर के लोग। तो ये इसकी विचारधारा कांतीराम साहब से मिलती थी और ये समाज कांतीराम साहब की तरफ चला गया, बसपा की तरफ चला गया। लेकिन हम भी बसपा में थे, लेकिन जब हमने देखा कि सरकार बनती, लेकिन सरकार बनने के बाद पता नहीं बहन जी तक बात पहुंचती है हमारे साथ हो रहे अन्याय अत्याचार पर, या हमारे हक अधिकार की बात बसपा में बहन जी तक पहुंचाता है, कोई नहीं पहुंचाता। हमारे समाज के दो लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा उस समय मंत्री हुआ करते थे बसपा में और नंबर दो के नेता हुआ करते थे बसपा में। लेकिन जब जब समाज के साथ अन्याय हुआ, जहां जहां भी अन्याय हुआ, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। लखीमपुर खीरी में 2 नौजवान मौर्य समाज के लड़कों को पुलिस ने पीट पीट के मार डाला, लेकिन उस समय बसपा की सरकार थी, लेकिन एक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, उल्टे पुलिस वालों ने दबाव देकर मुकदमा खत्म करवा दिया। तो कुल मिला के जब ये गूंगे बहरे दो मंत्री थे, पता नहीं बसपा में बात पहुंचते थे कि नहीं पहुंचते थे, मैंने मालूम बहन जी तक। तो हमने कहा कि एक पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो अपना झंडा डंडा लेके काम करे, बसपा के साथ रहे चाहे सपा के साथ रहे, लेकिन उन तक अपनी बात हक अधिकार के लिए न सही, अन्याय होने पर उनके नेताओं तक, उनके बड़े नेताओं तक पहुंचा दे। और हमारा मानना शुरू से था काजोल जी कि उत्तर प्रदेश में सपा या बसपा में से एक कोई उत्तर प्रदेश में मजबूत रहे,
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जब जब आती है दलित पिछड़े और अल्पसंख्यकों का हक अधिकार लूट लेती है। लेकिन मौर्य साहब आपको यहाँ मैं रोक रही हूँ, एक मिनट मौर्य साहब, आप कह रहे हैं कि आप इस बार जो है वो बसपा के साथ हैं, ठीक है, पहले 2022 में आप सपा के साथ थे, लेकिन ये तो बसपा पे लगातार आरोप लगते रहे हैं कि जब जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो बसपा जो है वो सीधे से कह देती है कि बीजेपी को वोट दीजिएगा। तो जब आपकी विचारधारा बीजेपी से नहीं मिल रही, लेकिन बसपा तो बीजेपी के कहीं ना कहीं सपोर्ट में रहती है, ऐसे आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। नहीं, आपका आपका कहना गलत है। कभी भी बहुजन समाज पार्टी ने वोट भाजपा को देने के लिए नहीं कहा और कभी भी नहीं कहा, लेकिन कमजोर जब कमजोर होता है कोई, और कमजोरी होती है, जैसे बहुजन समाज पार्टी आज कमजोर दौर से गुजर रही है, तो वो लड़ाई मुख्य लड़ाई में नहीं है, तो जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज वोट है वो उस पार्टी की तरफ जाना चाहता है जो मुख्य मुकाबले में हो। 2022 में जब 2019 में जब चुनाव हुआ था तो बसपा को 10 सीट मिली थी, 10 लोकसभा सीट, मजबूत वोट बैंक होने के बावजूद, क्योंकि वो मुख्य लड़ाई में इसलिए नहीं, और महानदल के कार्यकर्ताओं ने 2022 के चुनाव के पहले 2021 में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन और एक कासगंज में बड़ी रैली की, माहौल बदलने लगा। अच्छा केशव मौर्य साहब, ये जो 2024 की लड़ाई लोकसभा की होने जा रही है, महानदल किस विचारधारा के साथ, किस रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है? मैं वही बात कर रहा था, 2022 में जब महानदल ने रैली की और महानदल कार्यकर्ताओं ने, महानदल ने थाना सपा सरकार बनाना का नारा दिया और दीवालों पर लिखना शुरू, माहौल बदल गए और लोगों को लगा कि भाजपा का मुख्य मुकाबला सपा से होने जा रहा है, तो ओम प्रकाश राजभर भी मजबूर होके आए, जयंत चौधरी जो कांग्रेस के साथ घूम रहे थे वो भी आए, तमाम और दल कृष्णा पटेल जी आई, तो जो परिदृश्य बना वो ये बना कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का मुकाबला सपा करने जा रहे, और जो भी भाजपा से नाराज वोट था वो सबका सब पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी की तरफ चला, इससे मुकाबला बसपा बाहर हो गई, तो बसपा का जो वोट था कोर वोट वो तो बसपा को मिला, लेकिन जो बसपा का और फ्लोटिंग वोट था वो भाजपा की तरफ इसलिए शिफ्ट हो गया क्योंकि समाजवादी पार्टी का बेस वोट, जो बेस वोट है उत्तर प्रदेश में, उससे छोटी जातियां जितनी भी हैं वो सभी घबराती हैं, यहां तक कि हमारा समाज भी घबरा रहा था, लेकिन हमारे वजह से वोट गया, अब कम गया, लेकिन अब जैसे आपने कहा, मैं अखिलेश यादव जी का बेहद सम्मान करता हूं क्योंकि राजनीतिक धरातल पर जो पहचान आज महानदल की, महानदल के पास वोट था, महानदल के पास बड़ी रैलियां थी, 2012 पहले वोट भी मिला था, लेकिन राजनीतिक धरातल पर महानदल की कोई पहचान नहीं थी, एक्सेप्टेंस नहीं थी, वो गठबंधन करके समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करके, अखिलेश यादव जी ने गठबंधन करके महानदल को और केशव देव मौर्य को नहीं पहचाना, मैं इस बात को आपके चैनल पर स्वीकार करता हूँ और मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का बेहद सम्मान भी करता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की, यानी कहा जा सकता है कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद सपा के साथ कभी महानदल का नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं केशव देव मौर्य साहब? नहीं, मेरा ना मनभेद है ना मतभेद है, मैं तो अखिलेश जी का बेहद सम्मान करता हूँ, समाजवादी पार्टी के सभी नीतियों का मैं उनमें विश्वास करता हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश को अगर समझने की कोशिश करें हम मौर्य साहब, तो उत्तर प्रदेश में अगर महानदल की हम बात करें तो महानदल क्या सिर्फ कुशवाहा और मौर्य के साथ ही है या फिर मुसलमानों के साथ भी है? क्योंकि ये जो अभी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो इसको लेकर जो धार्मिक पूरा ये पूरा प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है, इसके अलावा जो जातीय समीकरण तैयार किया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा फैक्टर है, ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। देखिए ऐसा है, हम सबके साथ हैं और सब हमारे साथ भी हैं, बहुत हमारे पदाधिकारी, हर वर्ग हर धर्म के हमारे पास पदाधिकारी, लेकिन लड़ाई किस बात की? लड़ाई आज उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बैठी है वो केवल एक वर्ग के लिए काम करती है, बाकी उसके लिए दलित पिछड़े अछूत हैं, उसके लिए अल्पसंख्यक अछूत हैं, वो जब आतिक अहमद और मुख्तार अंसारी उसकी नजर में माफिया, ठीक है, अच्छी बात है, माफिया तो माफिया होना चाहिए,
लेकिन ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह, चुलबुल सिंह, सुशील सिंह, ये सब भाजपा की नजर में, योगी जी की नजर में संत महात्मा है। आगरा में कुशवाहा बेटी के साथ बलात्कार हुआ, आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो योगी जी की बिरादरी का है। ऐसी सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। अब मैं अपनी बात से आता हूँ, मैं अखिलेश जी का बेहद सम्मान करता हूँ। समाजवादी पार्टी से मेरा न मन भेद है न मतभेद, मेरी लड़ाई वहां इस बात की है कि अखिलेश यादव के लिए काम महान दल के कार्यकर्ताओं ने किया, मेहनत महान दल के कार्यकर्ताओं ने किया, वोट महान दल के कार्यकर्ताओं ने दिला और उन्होंने सम्मान दे दिया स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका आधा परिवार भाजपा में मलाई खा रहा है और आधा परिवार सपा में मलाई खाने आ गया। ऐसे आदमी को जो बहुरूपिया है, जो कठपुतली है, जिसने कभी समाज के दुख दर्द में आवाज नहीं उठाई और आज भी नहीं उठाता, आज भी एक शब्द उसके मुंह से नहीं बोलता, वो बड़बोला नेता इतना बोलता है, लगता है कि दुनिया में इससे बहादुर कोई आदमी नहीं, लेकिन जब समाज के साथ अन्याय होता है तब ये मुंह बंद कर लेता, क्यों नहीं बोलता। हम कह रहे धर्म के खिलाफ आप बोल रहे हो, उसे फायदा किसका हो रहा है? आप धर्म को जितना गाली दोगे, हिंदू धर्म को, उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी। अच्छा मौर्य साहब, मौर्य साहब, अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश की हम बात करें। काजल जी, मेरी बात खत्म हो। मैं समाजवादी पार्टी में खुली किताब है, कार्यकर्ता कुछ उनके हमें अनाप शनाप बोलते हैं फेसबुक पे समाजवादी पार्टी के, लेकिन मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ, मेरी लड़ाई न समाजवादी पार्टी के खिलाफ है न अखिलेश यादव जी के खिलाफ। मैं मेहनत मैं करूंगा, मेरे कार्यकर्ता करेंगे, दीवालों महान दल ने थाना सपा सरकार बनाना है नारा वो देंगे, वोट हम दिलाएंगे और मलाई स्वामी प्रसाद मौर्य क्रेडिट वो ले जाएंगे। ये महान दल को और केशव देव मौर्य और उनके कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं, इसलिए हमने समाजवादी पार्टी से रिश्ता तोड़ा और मैंने बसपा को, बसपा से मेरा कोई गठबंधन नहीं हुआ, बसपा से मेरी कोई वार्ता नहीं हुई, बहन जी से कोई वार्ता नहीं हुई, लेकिन मैंने अपनी ओर से समाजवादी पार्टी से नाराज होकर मैंने बसपा को बिना शर्त समर्थन दे दिया। लखनऊ में कार्यकर्ताओं की बैठक करके सब कार्यकर्ताओं के सामने 5 घंटे तक मैंने अपनी बात रखने के बाद जब निचोड़ आया, मैंने कहा किसको समर्थन दे दिया, सबका मन था कि बसपा सबसे कमजोर है, उसी को उत्तर प्रदेश में मजबूत करके हम लोग लाएंगे तो हम किंग मेकर की भूमिका माने जाएंगे। लेकिन मौर्य साहब, बसपा तो डूबता जहाज है, डूबता जहाज अगर वहां जाइएगा तो क्या आपको यकीन है कि आप नदी पार कर लीजिएगा? ऐसा ना हो कि वो डूबते जहाज में महान दल भी डूब जाए। काजोल जी, आपको थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। बसपा के पास 14% कैडराइज वोट, 14-15% उसके पास मरी कमजोर स्थिति में, मरी स्थिति में भी 15-20% वोट उसके पास जो कैडर का वोट है, जो जाटों समाज का खांटी वोट है, जो कितना भी कांग्रेस। लेकिन सर उस वोट से आप सीटें नहीं निकाल सकते ना उतने वोट से, ये तो आप मेरे से बेहतर जानते होंगे, हमेशा से राजनीति में रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए तो बात पूरी होने दी। उसमें 14% शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज उत्तर प्रदेश में है, जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के अराजकता से नाराज है, उसे विकल्प नहीं मिला। समाजवादी पार्टी का गठबंधन तो हुआ हमारा, लेकिन महत्व तो नहीं मिला, इसलिए वो पूरा वोट नहीं जा पाया। अच्छा। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी को मैंने बिना शर्त समर्थन दिया और ये 14% वोट शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का, ये उत्तर प्रदेश में बसपा का वोट रहा है, उस बसपा में कुछ भी था, उसे अगर किसी ने हटाया तो केशव देव मौर्य ने हटाया बसपा से, वो वोट मैंने दिशा दे दी है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार अन्याय शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के साथ करती रही है, उससे नाराज होकर ये वोट बहुत आसानी से बसपा की तरफ चला जाएगा। जब किसी विधानसभा में 15-20% जाटों समाज का और 14-12% वोट शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य जाता हुआ देखेगा तो एक से एक मजबूत प्रत्याशी धनबली बाहुबली बहन जी के पास जाएंगे और वो जाएंगे तो अपना भी वोट ले आएंगे, उनके पास अपना पर्सनल वोट भी है। और मुसलमान भी जब देखेंगे, मुसलमान भाई, कि भाजपा को बसपा ही हटा सकती, समाजवादी पार्टी नहीं हटा सकती, ठीक है, तो वो भी जाएंगे। और बड़ी और एक बात और जोड़, पिछली बार का इतिहास भी दोहराएगा। जब मैं महान दल का गठबंधन सपा से हुआ, महान दल ने माहौल खड़ा किया,
तो ओम प्रकाश राजभर भी मजबूर होके गए जो भाजपा की बात करते थे, जयंत चौधरी जी भी गए जो कांग्रेस की बात करते थे, कृष्णा पटेल जी भी गई और बड़े बड़े भाजपा के नेता टूट के समाजवादी पार्टी में आए। वही इतिहास लोकसभा के पहले दोहराया जाए कि दो महीना और बीतने दीजिए, दो महीना बाद अगर बसपा ने हाथ पैर मारना बंद कर दिया, बसपा कुछ नहीं की तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर बहन जी ने हाथ पैर मारा, और बेहतर तो ये होता कि बहन जी भले मुझसे गठबंधन न करती लेकिन मुझे बुला के वो अपने यहाँ अपने कार्यालय में स्वागत कर देती, मुझे धन्यवाद दे देती कि आपने महान दल ने समर्थन दिया है भाजपा बसपा का और बसपा को नाराजगी खत्म करने की तैयारी हो रही है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में गिले शिकवे बुलाए जा रहे हैं, एकजुट हुआ जा रहा है। अभी आपने जिक्र किया कि कुर्मी कुशवाहा मौर्य समाज जो है वो कहीं ना कहीं एक जो कैडर यहाँ पर बना हुआ है उसके तहत आगे बढ़ेगा, वो जो खिंचाव है वो नजर आएगा जब महादल और बसपा साथ में आएंगे, लेकिन आपने कहा कि मुसलमान भी साथ आएगा। यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में एक रैली को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आए, उन्होंने दो टूक कह दिया है कि पसमांदा मुसलमानों के साथ हम हैं, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यूसीसी तो हम लेकर आएंगे। इसको लेकर केशव देव मौर्य साहब क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी से झूठी और मक्कार पार्टी तो दुनिया में कोई है ही नहीं। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और मस्जिद में लाउड स्पीकर बजे तो भाजपा वालों को दिक्कत, मंदिर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, हम भी हिंदू हैं, हमें भी अच्छा लगता है सत्यनारायण भगवान कथा हो कीर्तन हो, लेकिन अगर 5-10 मुसलमान अगर अपनी इबादत कर रहे हैं कहीं तो आपको उनसे लड़ाई करने की क्या जरूरत, उनसे क्या दिक्कत। पहले मुसलमान कहीं सड़क पे नमाज अदा करते थे मुसलमान भाई तो लोग हिंदू अगल बगल से निकल जाते थे कि उन्हें डिस्टर्ब ना हो, हॉर्न नहीं लोग बजाते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने कैसा देश बना दिया। अरे मुसलमान ने उन्हें जो सही इंसान होगा वो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, मुसलमान तो कतई नहीं देगा। कोरोना काल में मंदिर में भीड़ लगी रहे, जल चढ़ा रहे हैं, कांवड़िए जा रहे हैं, कोई ऐतराज नहीं, कोई कोरोना नहीं, और मस्जिद में अगर 10 लोग खड़े होकर नमाज पढ़ लिया पुलिस ने किस तरह लाठी चलाई, जैसे वो बेगाने हो इस देश के है ही नहीं, जैसे वो इंसान ही नहीं जानवर हो, जानवरों से भी बदतर हो। तो ऐसे लोगों से मोदी जी कह के 15 लाख आएगा, अच्छे दिन आएंगे, पेट्रोल 28 रुपया बिकेगा, एक बाबा था पता नहीं कौन बोल रहा था ऐसा काला धन आएगा, एक भी तो नहीं है, तो मुसलमान बेवकूफ है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। एक इंसान भी वोट नहीं देगा मुसलमान तो फिर भी उनका मुसल्लम ईमान है, वो क्यों वोट देंगे। अच्छा मौर्य साहब 2017 के बाद से जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी को पसंद किया गया है उत्तर प्रदेश में और जो उनके काम की सराहना हो रही है, क्या लगता है लोकसभा कौन पसंद करता है? सोशल मीडिया पर ना बहुत सारी चीजें चलती है सर, उनका तो मैंने नाम गब्बर सिंह रखा है। अच्छा, क्यों? अरे जैसे गब्बर सिंह लूटता था, क्या 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में बदलाव नहीं आया है? मैं बस ये जानना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के विकास की हम बात करें, सड़कों की हम बात करें, सुविधाओं की बात करें, क्या जरा भी बदलाव नहीं है 2017 के बाद से? बदलाव है, बता तो रहा हूँ। बहन जी ने आज 2007 के समय, 2007 के भी पहले उन्होंने एक सड़क बनाई थी दिल्ली से आगरा तक, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे, आगरा से दिल्ली तक उन्होंने रोड बनाई। आज भी वो सीना तान के खड़ी है, जबकि उसके साथ भाजपा उस सड़क के साथ दुर्व्यवहार करती है, उसमें मेंटेनेंस नहीं करती। और एक सड़क बनाई अखिलेश यादव जी ने आगरा से लखनऊ तक, वो भी अभी मजबूत खड़ी है सीना तान के। लेकिन एक सड़क प्रधानमंत्री ने बनाई था बुंदेलखंड, बड़ा बवाल हुआ, बड़ा नाटक किया उद्घाटन में, बड़ा हल्ला गुल्ला किया, और उसकी एक लेन बंद हो गई है, एक लेन नहीं चलती है, सड़क खराब हो गई। और वही यार पूर्वांचल का था, जगह जगह धस गई बैठ गई, तो उसका लूट का पैसा कौन ले गया? कुछ लोग सोशल मीडिया चलाते हैं कि वो योगी और मोदी तो परिवार नहीं, वो किसके लिए लूटेंगे? अरे उसका जवाब मैंने एक व्हाट्सएप पर किसी लड़के ने भेजा था, उसमें लिखा था कि गब्बर सिंह के में परिवार नहीं था, लेकिन वो भी तो लूटता था, डाकू था,
तो कुल मिलाकर जरूरी नहीं जिसके पास परिवार नहीं वो ना लूटे, बहुत लोग बिना परिवार के भी भ्रष्टाचार करते हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिसके परिवार अखिलेश यादव वोट दिए मैंने, मुलायम सिंह बेटे को मजबूत करोगे, फलाने के बेटे को मजबूत करोगे, ऐसा देश का प्रधानमंत्री होता है? ऐसी हल्की बात करने वाला? हम कहें जिसके जो परिवार वाले हैं पूरे देश में मोदी और योगी की तरह बिना शादी विवाह के या शादी होने के बावजूद पत्नी छोड़ के बैठे हो ज्यादा से ज्यादा 2% लोग, 98% लोग शादीशुदा है और सुखी है और ईमानदार है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पत्रकार हैं, सब तो पढ़े लिखे लोग हैं और सबकी शादी विवाह हुई, सबके परिवार माँ बाप है, दीदी है, बच्चे हैं। अच्छा ये लड़ाई मौर्य साहब, ये लड़ाई जो है क्या मोदी योगी को हराने की है या वाकई प्रदेश के विकास के लिए है? ये लड़ाई प्रदेश के विकास के लिए है, ये प्रदेश के ला एंड ऑर्डर लाने के लिए। बहुजन समाज पार्टी के समय में लखनऊ के बसपा शासन काल के पहले लखनऊ जो था वो झुग्गी झोपड़ियों जैसा था, लखनऊ को बनाया अखिलेश यादव जी ने और बहन कुमारी मायावती ने विकास किया लखनऊ का, और उनसे बढ़िया काम आज तक किसी का नहीं। और ला एंड ऑर्डर बसपा जैसा किसी का है ही नहीं, अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ा करते थे जब बहन जी का दौरा लगता था, जब बहन जी जाती थी क्षेत्रों में इंस्पेक्शन के। तो बसपा के सरकार में भ्रष्टाचार नहीं था, तो खुलेआम तहसील में लूट, बैंक में लूट, थाने में लूट, रजिस्ट्री ऑफिस में लूट, आरटीओ में लूट, खुलेआम लूट, और कोई डर नहीं रहा। आप वीडियो बना लो फिर भी कोई नहीं डर रहा है। तो आज जिस तरह की सरकार बनी, जिस तरह पुलिस जिसको चाह रही उसको पीट दे रही, जिसको निर्दोष देवेंद्र कुशवाहा को इसलिए पीट दिया गया कि उसके पास उसका साला किसी कोई लड़की किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग में चली गई, उसके साले को पुलिस ने आधार पकड़ लिया, उसकी दुकान पर लड़का बैठता था, उसे छुड़ाने के लिए 50,000 की जरूरत थी, देवेंद्र कुशवाहा ने अपना ट्रैक्टर बेच के दे दिया, ललितपुर का देवेंद्र कुशवाहा। पुलिस को लगा पैसा इसके पास, इसे पकड़ लाओ तो दे देगा, और उसे पकड़ लिया रात में। अच्छा मौर्य साहब, ये जो समीकरण तैयार हो रहे हैं, ठीक है मौर्य साहब, ये जो पूरे समीकरण तैयार हो रहे हैं, महान दल हो चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, क्या लग रहा है इस बार 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या भारी फेरबदल होगा? 80 की 80 सीटें भाजपा कह रही है कि हम 80 सीटें जीतने जा रहे हैं, जो पहले 16 सीटें नहीं जीत पाई थी उन पर भी भाजपा अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन महानदल को क्या लगता है क्या बदलाव इस बार हो सकता है और कौन कौन से वो मुख्य कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से भाजपा को चोट लग सकती है और महानदल को फायदा हो सकता है? एक बात तो सही है कि अगर विपक्षी गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी और बहन जी को नहीं लिया गया तो भारतीय जनता पार्टी को हराना इतना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर जो आज विपक्षी उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन बनने जा रहा है, यहाँ नीतीश जी का तो कोई वोट है नहीं, यहाँ ममता बनर्जी जी एक वोट दिलाएंगे, यहाँ कोई और वोट तो दिलाएगा नहीं, यहाँ मुख्य वोट जो है वो समाजवादी पार्टी का है, वो वोट कांग्रेस का है। अगर विपक्षी गठबंधन की बात की जाए और उसमें जयंत जी का थोड़ा बहुत वोट है, उनका ज्यादातर वोट तो भाजपा में जा समाज, लेकिन चलो कुछ असर उनका है तो वो वोट है। और अगर मान लीजिए और लोग भी विपक्षी गठबंधन में आते और बसपा नहीं आते, तो पिछली बार भी 2017 गठबंधन होने के बाद 2017 विधानसभा में जब कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ था तो अखिलेश यादव जी गठबंधन के बाद अखिलेश जी लगातार 2022 जब तक महान दल का गठबंधन नहीं टूटा तब तक लगातार अखिलेश जी यही कहा करते थे कि कांग्रेस से हमारा गठबंधन का अनुभव बहुत बुरा रहा है। और ये भी कहते थे हर इंटरव्यू में कहते थे कि जो भाजपा वही कांग्रेस, अब आज अगर गठबंधन हो रहा है सपा और कांग्रेस का तो सपा और कांग्रेस तो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि जो वोट सपा का है वही वोट कांग्रेस का है, मतलब मुसलमान वोट कुछ कांग्रेस की तरफ जाता है। महान दल बसपा हो चाहे सपा हो क्या किंग मेकर की भूमिका निभाने की तैयारी में है? देखिए अगर सही बात की है, अगर बहन कुमारी मायावती जी महान दल से गठबंधन करती तो बहुत अच्छी ताकत मिलती, लेकिन नहीं भी अगर गठबंधन करती, वो अगर मुझे बुला के अपने कार्यालय पे या अपने आवास पे मुझे धन्यवाद भी दे दें,
तो उससे समाज में सबके सैनिक को स्वाम हो रहा है, समाज में मैसेज बढ़िया जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं भी होता है, बसपा अगर अपने दम पे मेहनत करती, थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाती है, तो इस बार पास के सैनिक को स्वाम हो रहा है समाज का जो बड़ा वोट 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी में चला गया है, वो वोट केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर 2017 में चला गया, तो उसी के बलबूते उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा कमजोर हुई और उसी साक्य सैनी कुशवाहा वोट के बलबूते भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई। अगर वो वोट बसपा की तरफ मैं ट्रांसफर करा देता हूँ 50% भी, तो वो 50% वोट भाजपा का ही है और भाजपा का एक तरफ नुकसान होगा और दूसरी तरफ बसपा का फायदा होगा। मतलब वही वोट दो काम करेगा। अगर हम 20,000 वोट किसी विधानसभा से निकालते हैं तो वो पूरे गुणा गणित के साथ महानदल तैयार है 2024 के लिए। काजोल जी एक मिनट, अगर वो वोट किसी विधानसभा से 20,000 निकालते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का 20,000 वोट कम होगा और वही वोट बसपा की तरफ मैं दिलाऊंगा तो वही वोट 20,000 प्लस होगा, माने एक ही विधानसभा में 40,000 वोट का भारतीय जनता पार्टी का 40,000 से 50,000 वोट खाली 20,000 वोट निकालने से नुकसान हो जाएगा और माहौल भाजपा का खराब होगा तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी। लेकिन इसके लिए बसपा को मेहनत करने की आवश्यकता, अकेले महानदल बसपा को उत्तर प्रदेश की 80 सीट 60 सीट नहीं दिला सकता, लेकिन अगर बसपा मेहनत करना शुरू कर दे, जिस तरह आज महानदल के कार्यकर्ता निकलकर दिन रात महानदल ने ठाना है बसपा को जिताना, वॉल राइटिंग करें दीवारों पर, जिस तरह महानदल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रहा है अपने कार्यकर्ताओं को माध्यम से जनता तक ये नीचे तक पहुंचा रहा है, बसपा को अधिक से अधिक वोट दो पूरे प्रदेश, इसी तरह से अगर बहुजन समाज पार्टी निकलती है, बहन जी मेहनत करती, उनका संगठन मेहनत करता है, तो सपा गठबंधन तो भाजपा को नहीं हरा सकता, लिख के रख ले, क्योंकि कोई वोट प्लस नहीं कर रहा है, मुसलमान वोट कांग्रेस का और मुसलमान वोट सपा का, बाकी कौन सा वोट बच रहा है उनके पास, यादव वोट, तो इस दो वोट के भरोसे नहीं हराया जा सकता भाजपा को, लेकिन बसपा के साथ कई वोट मिल जाएगा। चलिए ठीक है, केशव देव मौर्य साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए और बहुत शुभकामनाएं आपको कि महानदल अच्छा प्रदर्शन करे 2024 में। तो मेरे साथ जुड़े थे राष्ट्रीय अध्यक्ष महानदल के केशव देव मौर्य, जिनसे हमने सीधी बात की है और 2024 के लिहाज से महानदल की क्या विचारधारा है, किस विचारधारा के साथ लड़ाई लड़ने जा रहा है, ये तमाम बातें हमने की है। फिलहाल माहौल किस तरह का बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये भी हमने जानने की कोशिश की है। फिलहाल के लिए सीधी बात में इतना ही, अगले सप्ताह फिर लौटेंगे इस खास प्रोग्राम के।